सो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। मेरा नाम है एडन। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डांस इंडिया डांस लिटिल मास्टर में भले ही टॉप 15 का ही सिलेक्शन क्यों ना हो मेगा ऑडिशन के बाद, लेकिन टॉप 12 कंटेस्टेंट जो कि कंफर्म हो चुके हैं उनके नाम इस वीडियो में पिक्चर के साथ रिवील करने वाला हूं कौन कौन कंटेस्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ये वीडियो काफ़ी खतरनाक होने वाला है। तो गाइस, अब पहला नाम आ रहा है हमारे टॉप 12 में मानसी रॉय का। मानसी रॉय को तो आप जानते होंगे, वर्तिका की बहन कही जा रही हैं। मैं आपको बता दूं, अपुन है इसके बाद टॉप 12 में। उसके बाद है सृष्टि नेगी, सृष्टि नेगी की तो आप जानते ही होंगे। अब उसके बाद नाम आ रहा है आरफ का, आरफ को तो जानते होंगे, काफ़ी गरीब घर के ये लड़के हैं, ये भी सेलेक्ट हुए हैं टॉप 12 में। इसके बाद है अध्यायश्री, ये भी सेलेक्ट हुई हैं टॉप 12 में। और इसके बाद है अहमद राजा, जिनके दोनों हाथ नहीं है, काफ़ी परफॉर्मेंस उनका खतरनाक होता है, वो भी सेलेक्ट हुए हैं टॉप 12 में। इसके बाद आते हैं सागर, काफ़ी गरीब घर के लड़के हैं, ये भी सेलेक्ट हुए हैं टॉप 12 की लिस्ट में। और इसके बाद आते हैं कनक, कनक भी सेलेक्ट हुई हैं टॉप 12 की लिस्ट में। उसके बाद है रिशिता, रिशिता भी सेलेक्ट हुई हैं टॉप 12 में। इसके बाद है रूपसा, जो कि सुपर डांसर 3 की विनर थी, ये भी सेलेक्ट हुई हैं टॉप 12 में। और इसके बाद है सानवी नेगी, ये भी सेलेक्ट हुई हैं टॉप 12 में। उसके बाद है एक कंटेस्टेंट जिनका नाम है रोशन, ये टॉप 12 कंटेस्टेंट सेलेक्ट हुए हैं टॉप 12 के लिए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि इनमें से आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है, क्योंकि ये कंटेस्टेंट सेलेक्ट हो चुके हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ये सच्चाई मेरे भाई। लव यू गाइस एंड थैंक यू मेरे भाई लोग।